ये अंदर का लुक देख, जबरदस्त लुक है। हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब? तो भाई गुड मॉर्निंग, तो भाई गुड मॉर्निंग। तो भाइयों अंजलि आज हमारे घर में नस्त गई, इस घर के अंदर कभी नहीं बनी ये डिश, हमारे घर में कभी नहीं बनी। आप देख के पहचान सकते हो तो प्लीज बताना ये क्या है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या होती है। तो ये पल्लू आ चुकी है हमारे पास, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल रहे हमें पल्लू, जब देख सकते हो। चलो अब इसके बच्चों से मिलके आते हैं। ये देख सकते हो आप कितना क्यूट है। तो इनकी हल्की हल्की आंखें लिटल लिटल सी खुल रही हैं, ज्यादा तो नहीं, हल्की हल्की बिल्कुल। तो भाई आज अंजलि की होगी तबीयत खराब, इसको चढ़ गया बुखार। बुखार चढ़ गया बाबू, तबीयत तो शरीर में दर्द है पूरा। तो भाई आठ लगी, भाई दुआ करो जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो आपको नहीं नहीं हंसी हंसी वाले लोग कौन देगा, ये देते बेचारी। ठीक है जल्दी ठीक हो जा, पक्का बोल क्या मेरे शाम तक ठीक हो जाऊंगी, पक्का ना है झूठी, बोल रही थी कल ठीक हो जाऊंगी मैं, होगी ठीक। होगी ठीक अंजलि, कैसी तबीयत अब? कल से भी खराब। तो बोल रही थी मैं कल व्लॉगिंग करूंगी अच्छी तरह। मुझे लगा अनिका का डर है, पर डर से बाहर नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं। तो भाई सीन ही हो गया कि अंजलि की तबीयत और खराब हो चुकी है, दवाई दिलवाई थी उस दवाई को इसे उल्टी हो गई, सारी दवाई निकल गई और दर्द इतना हो गया, ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बर्दाश्त हुआ, डॉक्टर इंजेक्शन लगा के गया है, अब देखते हैं कितनी देर में रिलीफ मिलता है। अभी ब्लॉगिंग को आज मैं ही कंटिन्यू रखूँगा और देखते हैं क्या क्या होता है, बेचारे ठीक हो पाती है या नहीं, या फिर इमरजेंसी मेडिकल भागना पड़ेगा, वो देखते हैं। ब्लॉग नहीं है पहले तो भाई इतनी बड़ी एक हो गया तो आपको उसको पता है क्या हुआ, अभी आप इसको बेचारे को फिर से दिक्कत, मतलब थोड़ी सी खुशी आने का टाइम होता है ना, कभी दुख में तब्दील हो जाता है वो, ऐसा क्यों होता है ये पता नहीं चलता। तो भाई मिलते हैं फिर देर में। तो भाई अंजलि कर रही है आराम, तो आज हम चलते हैं बाहर, आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, वहाँ दिखाते हैं आज आपको, एंजॉय करवाते हैं पूरा। ठीक है तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई आ चुके हैं मामा जी के घर पे, अब आपको आपकी नानी से, हमारी नानी से मिलाते हैं, हम मामी से मिलाते हैं जो फैमिली में है। तो मामी जी नमस्ते, ये हमारे मामी कपड़े धो रही हैं। हाँ कैसे? नमस्ते नानी, नमस्ते। हाँ तो वही नानी देख सकते हो आप रेस्ट कर रही हैं। कोई बात नहीं, मामी देखो मुझे नहीं है उलाना देती हुई। अरे वो बरती थी उस टाइम पे, वो आ जाएगी अभी, जानते पहले मैं आड़े लेकर आऊंगा मैंने। अच्छा। आज बीमार थे ना आज ले आता मैंने। अच्छा। सुरानी क्या कर रही हो आप? सबकी फलम बनाएगी जितने भी हो, मामा करेगा आप। ये देख सकते हो
मनीष कहाँ घूमता हुआ? अरे हाँ। तो ये व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग। यहाँ पर दिल्ली में कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ पूरे दिन में, वो दिखाता हूँ। तो भाई पहुंच गए हम किया शोरूम, और आज यहाँ देखते हैं कौन सी गाड़ी पसंद आती है। मैं यहाँ देखते हैं कौन सी गाड़ी पसंद आएगी। लुकता हूँ भाई, तो भाई ये गाड़ी है, देख सकते हो आप, जबरदस्त। और जो चाहिए थी वो नहीं है यहाँ। ये अंदर का लुक देख, जबरदस्त लुक है। तो भाई सीन ये रहा कि गाड़ी देख ली, पसंद भी आ गई, पर जो चाहिए था टॉप मॉडल वो था ही नहीं उनके पास। तो उन्होंने बोला कि एक हफ्ते के अंदर गाड़ी आ जाएगी, जब आप देख के बुकिंग कर जाना, क्योंकि बुकिंग बहुत लंबी चल रही है, 4-5 महीने की वेटिंग चल रही है इनमें। और भाई जब तक वेट करना पड़ेगा, क्या करें। तो देख के यार वहाँ मज़ा वाली बात नहीं आई, दिमाग ख़राब हो गया देखने के बाद। अब देखते हैं कब फ़ोन आता उनका। तो भाई आ चुका हूँ मैं अपने घर पर, और अंजलि की तबीयत के बारे में पूछ लेते हैं। वो तबीयत क्या, तो कैसे हो मैम आप? ठीक हूँ, रुक जाओ ना अभी। भाई ये बोल रहे रुक जाओ अभी, अब आप जान सकते हो कि क्यों रुक जाओ, क्योंकि तो भाई अंजलि अब भी 90% ठीक हो गई। 90 कहाँ हो गया, कितनी हुई है? 50 हुई है भाई, ठीक हो गया, पर दर्द वैसे ही। तो अभी ये भाइयों की गोली गुजरी है भाई, मैं गई थी, मैं अपने मायके नहीं जा पाई, तो मैंने अभी दोनों भाइयों के पूछ कर रख दिया, बोले तो जब मेरा जाना होगा दिल्ली तो उनको दे देंगे। तो अभी मेरी कंडीशन है नहीं कि मैं इतनी दूर बाइक पे चली जाऊँ, ऊपर से ठंड भी है, ठंड का मौसम हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी दिक्कत वाली बात हो, तो इसलिए मेरी वजह से सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ हुआ था, इसलिए घर पर आराम कर रहे हैं। देखते हैं कब जाना होगा, एक दो हफ्ते बाद ही जाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे तभी जाएंगे, देखते हैं कब जाना होगा। तो भाई इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं एंड, और आज हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और यार वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हमें मोटिव मिले वीडियो बनाने का, और हम आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लेके आए और मज़ेदार एंटरटेनमेंट वाले। आज तो यार ज़्यादा एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अंजलि तबीयत बहुत ख़राब थी, आप देख पा रहे हो कि उसकी चेहरा कैसा उतरा हुआ है। तो आज के लिए सॉरी, बाकी अगले ब्लॉग में ज़रूर एंटरटेनमेंट कुछ ना कुछ नया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।